इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि रास्ते बंद किए जा रहे हैं, रैली को रोकने की कोशिश की जा रही है रुकावटें लगाकर, लेकिन आज खिलाड़ी पुरजोश हैं और आज की रैली लाहौर की रैली फैसला कुन रैली होगी और आज लाहौर में तारीख बदलेगी, ये कहा गया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से। इमरान खान शाहदरा से रैली की क़यादत करेंगे और अभी वो खिताब भी कर रहे हैं। ये शाम हम लोग आ रही है, प्रेम यही आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, बल्कि ये वाइट आ रहा है थोड़ा। मैं कह रहा हूँ शाम मुहूर्त अगले बेसिकली ये हमारा सेंटर ही होना चाहिए, तो ये सेंटर है इंशाल्लाह। इस तारीखी रैली पे सबको खुशामदीद कहता हूँ। अपने हमारे कारकुन शाहदरा के शहरी काफली के जो हमारे साथ आए हैं और हमारी लीग के बैठ के और पीपल्स पार्टी के भी मुझे नजर आ रहे हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। अब ये क्यों हम रैली कर रहे हैं, मैं सारे पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूं कि ये रैली क्यों पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबसे जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये याद रखना मेरे पाकिस्तानियों कि एक होता है मुल्क में छोटा चोर, छोटे चोरों की चोरी से मुल्क तबाह नहीं होते, लोगों को मुश्किल पहुंचती है लेकिन मुल्क तबाह नहीं होता। मुल्क तबाह होता है जब मुल्क का वजीर आजम और उसके वजीर जब वो चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तीसरी दुनिया इसलिए नहीं क्योंकि पास वसाइल नहीं है, तीसरी दुनिया बनती इसलिए है कि उनके मुल्क में हुक्मरान डाका मारना शुरू कर देते हैं, मुल्क को लूटते हैं और लूट के पैसा बाहर ले जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, आज ये आप किसी भी गरीब तरीन मुल्क में चले जाए वसाइल के बावजूद वो सिर्फ गरीब इसलिए है कि वहां भी नवाज शरीफ बैठे हुए हैं जो मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। हमने 5 महीने नवाज शरीफ को दिए कि पार्लियामेंट के सामने हमें सफाई पेश कर दो कि ये आपके बच्चों की अरबों रुपए की जायदाद पैनमा की कंपनीज के पीछे जो छुपी हुई थी जो बाहर इंकशाफ हो गया। हम 5 महीने से नवाज शरीफ आपसे जवाब मांग रहे हैं कि आपका पैसा किधर से आया, इधर से पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया, हमें सबूत बताएं कि ये जो आपने प्रॉपर्टीज खरीदी इनकी जो खरीदने के कागजात होते हैं वो हमें दिखाएं। और ये पाकिस्तानी मेरे पास सुनो, ये हर जमहूरियत में एक प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह होता है। यहां 5 महीने से बजाय जवाब देने के हमें नवाज शरीफ कह रहा है कि मैं अपने कानून के तहत अपना इत्तेसाब करूंगा जिसमें हजारों लोग शामिल हो जाएंगे जो 200 साल तक मुकम्मल नहीं होगा। यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर इत्तेसाब से अपने आप को बचाने के लिए सारे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए तैयार है। आज आप मेरे साथ मिलकर ये जो लाहौर में आप रैली लेके जाएंगे और मुझे अपने लाहौरियों पर पूरा यकीन है कि वो भरपूर तादाद में आज आपका इस्तकबाल करेंगे। हम इसलिए जाएंगे
कि नवाज शरीफ अगर आपका ख्याल है कि हम चुप करके आराम से बैठे रहेंगे और आप टाइम लेते जाएंगे और आखिर में कौम भूल जाएगी, जिस तरह आपका सियालकोट का रंगबाज ख्वाजा आसिफ कहता है कि मियां साहब फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको भी। और ख्वाजा आसिफ ना लोग भूलेंगे, ना इमरान खान भूलेगा, ना तुम्हें भूलने देंगे। ये अब और नौजवानों गौर से बात सुनो, अल्लाह ने मुझे मौका दिया सारी दुनिया को देखने का, उनके निजाम देखने का। फर्क क्या दुनिया में जो आगे निकल गई है और हमारे में? दुनिया में ये निजाम है कि अगर आम आदमी की जो एक माशरा इखलाकियात की स्टैंडर्ड आम आदमी के लिए रखता है वो कम होती है, जो मुल्क के लीडर होते हैं उनका मोरालिटी इखलाकियात का पार ऊंचा होता है, क्योंकि लीडर अपनी मिसाल से लीड करता है। दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से एक माशरे की खलाकियत ऊपर उठा दी, कौम को अजीम बना दिया, दुनिया के लीडर बना दिया। सच और हक पे उन्होंने अपनी कौम को चला के एक दुनिया में मिसाल कायम कर दी। कैसा वक्त था कि दुनिया कहती थी वो देखो मुसलमान आ रहा है, एक सच्चा इंसान आ रहा है। ये था वजह कि हम दुनिया के लीडर बने। आज हैवी था मेरा ख्याल, हमारी बदकिस्मती के नवाज शरीफ जैसा लीडर जो अजीम मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, जो अजीम लोगों की कौम है, दलेर कौम है, खुले दिल की कौम है, सबसे ज्यादा खैरात देने वाली कौम है, उस कौम का लीडर पहले तो मुल्क से पैसा चोरी करके भाग लेके जाता है और बच्चों के नाम कर देता है, फिर हमें जवाब नहीं देता और बजाय जवाब देने के कहता है बाकी मुल्क भी सारा चोर है, इमरान खान भी चोर है, जहांगीर तरीन भी चोर है, शाह महमूद भी, यानी सारे चोर हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। ये जो आज रैली जा रही है ये सारे पाकिस्तान को बताएगी और लाहौर के लोगों को साथ में लाएगी और पैगाम ये देगी कि जब एक लीडर करप्ट होता है वो मुल्क के इदारों को करप्ट कर देता है, जब मुल्क के इदारे करप्ट होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। चोरी मुल्क को तबाह नहीं करती, इदारे जब तबाह होते हैं तब मुल्क तबाह होता है। मगरब हमारे से आगे इसलिए है, यूरोपियन ममालिक हमारे से आगे इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि वसाइल ज्यादा हैं, इसलिए कि उनके इदारे मजबूत हैं, उनके इदारे किसी को बख्शते नहीं, उनकी अदलिया ताकतवर और कमजोर में इम्तियाज नहीं करती, उनकी नैब ये नहीं देखती कि प्राइम मिनिस्टर है या एक आम गरीब शहरी रेड़े वाला है या रिक्शे वाला है, वो फर्क नहीं करते। इसलिए वो मुल्क कामयाब है। हमारा मसला क्या है? और फिर से मैं दुनिया के अजीम लीडर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उनको एक दफा सिफारिश है कि जी कुरैश की ये लड़की है, इसने चोरी की है, इसको सजा मिल गई है, इसको माफ कर दे, ये कुरैश की लड़की है। तो नबी ने तब फरमाया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून बेचारे कमजोर रेड़ी वाले और टैक्सी वाले और आम शहरी के लिए था और दूसरे ताकतवर लोगों के लिए माशरे में था। ये वजह है हमारी तबाही की, ये वजह है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, चोरी करता है, टैक्स का पैसा खर्च करता है, झूठ बोलता है आगे असेंबली में और समझता है कि ये सबको खरीद लेगा।
मीडिया को, मीडिया हाउसेस को पे पैसा चलाता है। ये इसने वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसके दौर में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने सियासतदानों की खरीद और फरोख्त शुरू की, छंगा मांगा की सियासत की। ये वो प्राइम मिनिस्टर है, इसने पहले दौर में आर्मी चीफ को मरी बुला के उसको BMW की चाबी पकड़ा दी, उसको भी खरीदने के लिए। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने रिश्वत देके लोगों को खरीदा। इसलिए खरीदा कि जब लोग इसके नीचे करप्ट होंगे, ये खुल के करप्शन करेगा, इसको कोई रोकेगा नहीं। इदारों को तबाह करने वाला नवाज शरीफ है, सबसे ज्यादा इदारों को तबाह नवाज शरीफ ने किया। इसलिए आपके मुस्तकबिल की जान है। आपने अगर एक अजीम कौम का हिस्सा बनना है, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये जो करप्ट माफिया नवाज शरीफ के ऊपर बैठा है, इसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा, इदारे मजबूत करने पड़ेंगे। आज हम सिर्फ नवाज शरीफ पे प्रेशर नहीं डाल रहे, हम पाकिस्तान के इदारों पे प्रेशर डाल रहे हैं। हम पाकिस्तान के किया को कहते हैं कि बड़े मोतबर हैं हम, आप हमारे जजेस, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप हमें इंसाफ दें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप तो अल्लाह को, अल्लाह ने तो आपसे ज्यादा जवाब मांगना है, क्योंकि आप जज हैं। हम आपसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जो नवाज शरीफ के पैनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ, इसमें कोई शक तो रह ही नहीं गया, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि इसने करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे, हम नैब और नैब के चेयरमैन कान खोल के सुन लो, तुमने अगर अब तक 5 महीने में कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुतल्लिक क्या कहा कि ये क्या 2-2 लाख और 4-4 लाख की चोरियां पकड़ रहे हो, अरबों रुपए की नवाज शरीफ की चोरी है, क्यों नहीं पकड़ते उसको? हम नैब के चेयरमैन और नैब के चेयरमैन सुनो, तुमने इस दुनिया से जाके अल्लाह को जवाब देना है, नवाज शरीफ को जवाब नहीं देना। और FBI के चेयरमैन तुम भी सुन लो, मैं जानता हूं कि हर महीने कितने करोड़ रुपए तुम दुबई भेजते हो, मुझे पता है, और इसीलिए ही तुमने अभी तक किसी भी एक शख्स जिसका पैनामा में नाम आया उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं की। मैं FBI चेयरमैन आपसे पूछता हूं कि क्या आपका इस दुनिया में आना, खा पी के बच्चे पैदा करके चले जाना, वो तो जानवर भी करते हैं, आपको अल्लाह को जवाब देना है। FBI के चेयरमैन, अगर तुम्हारे में गैरत है तो सबको नोटिस भेजो जिनका पैनामा पेपर्स में नाम आया, सबको नोटिस भेजो। सारा टैक्स गुजारे अमीर आम आवाम पे महंगाई करके गरीब गरीब हो रहा है, छोटा सा तबका अमीर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि नवाज शरीफ के खानदान को एक नोटिस भेजो कि किधर से पैसा आया था जो आपकी अरबों रुपए की बच्चों की कंपनी से। और उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन आपसे मुखातिब हूं। अब तक तो आप बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होने के, आप हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ PMLN नून लीग की। नून लीग के सारे लोग जाके कैंपेनिंग करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। जब इमरान खान जाने लगता है तो कहते हैं जी इजाजत नहीं है। आपने जो अलीम खान के केस से किया, हम भूलेंगे नहीं।
आपने पहले 60 दिन में आपने केस का फैसला करना था, आपने पहले तारीखें देनी शुरू कर दी। जब 60 दिन गुजर गए, कहते जी अब तो 60 दिन गुजर गए, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जनाब इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जमहूरियत की बुनियाद साफ और शफाफ इलेक्शन पे होती है। कौन सा इलेक्शन होता है पाकिस्तान में जो मुतनाजा नहीं होता? हर इलेक्शन के अंदर जो हारता है वो कहता धांधली हुई, और नून लीग जब जीतती है मुखालिफ कहता धांधली हुई। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितनी देर तक नून लीग की बी टीम बने रहेंगे? हम और ये सारी पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है जो आपके पास पिटिशन आ रही हैं। ये प्रेशर नहीं डाल रहे, ये हम इदारों पर प्रेशर नहीं डाल रहे। हम इदारों को कह रहे हैं कि वो करें जिसकी इस गरीब मुल्क के टैक्स का पैसा जो आप लेते हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें। आप फर्क ना करें कि ये नवाज शरीफ है या कोई और ताकतवर है, कौम इंसाफ चाहती है। और मैं FIA आपसे भी पूछता हूं, एक न्यूज आइटम आई, एग्जैक्ट एक टीवी चैनल आ रही थी, मीडिया हाउस आ रहा था, एक अखबार में न्यूज आइटम न्यूयॉर्क टाइम्स में आती है, आप उस चैनल को बंद कर देते हैं। यहां तो FIR कट गई पैनामा पेपर्स के ऊपर नवाज शरीफ के खानदान पे। क्या हुआ FIA को, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? मैं नवाज शरीफ, आखिर में चूंकि हमने भी बड़ा लंबा सफर तय करना है चैरिंग क्रॉस तक, और इंशाल्लाह आपसे बातचीत भी रहेगी, लेकिन मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं कि ये फैसला कौन मांगता है पाकिस्तान में? अगर आपके सामने अब दो रास्ते हैं पाकिस्तानियों, दो रास्ते। एक रास्ता ये है कि हम चुप करके इसी तरह चलने दें, स्टेटस को के लोग यही कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मीडिया में कौन से लोग किधर खड़े हैं, कई कह रहे हैं कि जी देखिए इमरान खान इंतजार फैलाता है, भूल जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चोरी पकड़ी गई है। तो वो कहते हैं कि ऐसे चलने दो, अगर ऐसे चलते गए, मैं आज आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ ने इसने अगले इलेक्शन में अभी से प्लान किया हुआ है, एक एक अरब देना है इसने अपने MNS को, इलेक्शन खरीदेगा। क्योंकि अगर ये इलेक्शन 2018 का नहीं जीतता, ये जेल में जाएगा। मीडिया वाली इससे पूरा जोर लगाना इलेक्शन खरीदने के लिए, इदारों को मजीद और खरीदेगा, इलेक्शन कमीशन पे पैसा चलाएगा, नादरा पे पैसा चलाएगा, ताकि नादरा के जरिए गेम खेल सके। ये पुलिस जो पंजाब की पुलिस है उसको ये इस्तेमाल करेगा मुखालफीन के खिलाफ, झूठी FIR कटवाएगा। किन किन हमारे कितने लोग हैं पंजाब में जिनके ऊपर झूठी FIR है? हम सारे यहाँ शाह महमूद, मैं, जानिए जितने भी चौधरी साहब, हम सब पे FIR कटी हुई है। पुलिस को इस्तेमाल करेगा जिस तरह हमजा अब्बासी ने पुलिस, हमजा शरीफ ने जिस तरह पुलिस को पुराने शहर में इस्तेमाल किया। इनके एक कातिल ने दो भाइयों को पिछले साल मारा जो तहरीक इंसाफ के कैंप में बैठे थे, 6 लोगों को गोलियां मन लगी। एक मुदई था, एक बड़ा दलेर नौजवान मिर्जा तनवीर मुदई था, वो अदालत में चला गया, उसको धमकियां देनी शुरू की। पहले टेररिज्म का केस था उस कातिल के खिलाफ, हमजा
मिर्जा शरीफ ने टेररिज्म का केस मुस्तरद करवाया, फिर इसको धमकियां दिलवाई, मिर्जा तलील को धमकियां दिलवाई का केस वापस कर लो, फिर हमजा शरीफ ने उसको मॉडल टाउन बुलाया। मिर्जा तनवीर एक दलेर आदमी था, कहता मैं नहीं चाहता, मुझे जाने की क्या जरूरत है, और उसके बाद उसको गोली मरवा दी। चार छोटे बच्चे हैं उसके, चार छोटे बच्चे उसके, और उसकी बेवा जो मुझे मिली उसने मुझे सारी कहानी सुनाई। तो ये है आपके शरीफ खानदान जो पुलिस को इस्तेमाल करते हैं लोगों को दहशत फैलाने के लिए। पुलिस को ये इस्तेमाल करेगा, सारे इदारों को इस्तेमाल करेगा इलेक्शन जीतने का। कोई अगर ये नवाज शरीफ बचता है यहां से पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। दूसरा रास्ता, सारी कौम निकले नवाज शरीफ से डिमांड करें कि हमें जवाब दो, जो वो जवाब नहीं दे सकता, इदारों के ऊपर प्रेशर डालें कि अपना काम करो, नहीं तो हम सड़कों पर रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हाथ खड़े करके बताओ तैयार हो, और इंशाल्लाह हमारा रास्ते में आखिर में मॉडल टाउन का, जो ताहिरुल कादरी के लोगों को पुलिस ने जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया मॉडल टाउन में, अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। मिलिट्री डिक्टेटर के जमाने में भी इस तरह कभी गोली नहीं चलाई गई नहाते लोगों के ऊपर। हम सबके लिए इंसाफ के लिए निकले हैं, और सारी रात इंशाल्लाह हम आप सड़कों पे होंगे, मैं आपके साथ होऊंगा, और लाहौर के लोगों तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं आपके पास। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एहतसाब मार्च से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म और वज़रा चोरी करें तो मुल्क तबाह हो जाता है, जब हुक्मरान करप्ट हो तो मुल्क जो है वो भी तबाह हो जाता है। छोटे चोरों से मुल्क तबाह नहीं होता, हुक्मरान की लूट मार से तीसरी दुनिया बनती है। इमरान खान ने कहा कि हम पनामा लीक्स पर जवाब मांगते हैं और 5 माह से जवाब मांग रहे हैं। जमहूरियत में वज़ीर आज़म जवाबदेह होता है, नवाज शरीफ पर नहीं बल्कि इदारों पर दबाव डाल रहे हैं। हमारी रैली पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। वज़ीर आज़म और वज़रा की चोरी से मुल्क तबाह होता है, हुक्मरानों की लूट मार से तीसरी दुनिया बनती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि 5 माह गुजर चुके हैं, नवाज शरीफ से जवाब मांग रहे हैं। नवाज शरीफ बताएं पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया, जमहूरियत में वज़ीर आज़म जवाबदेह होते हैं। नवाज शरीफ अपने कानून के तहत एहतसाब कराना चाहते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि ख्वाजा आसिफ से कहता हूँ कि पनामा लीक्स के मामले को नहीं भूलने देंगे। नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए सबको चोर कहते हैं, लीडर करप्ट हो तो वो मुल्क के इदारों को भी तबाह कर देता है। इमरान खान की जानिब से मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म खुद को कानून से बालातर समझते हैं, ये वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया। नवाज शरीफ ने सियासतदानों की कीमतें लगाई और इदारों को सबसे ज्यादा तबाह नवाज शरीफ ने कहा किया। उन्होंने कहा कि अदलिया से कहते हैं कि इंसाफ फराहम करें, अदलिया से उम्मीद है कि वो इंसाफ देंगे। चेयरमैन नैब नवाज शरीफ की अरबों की चोरी क्यों नहीं पकड़ते, चेयरमैन नैब मुल्क में छोटी चोरियां पकड़ते हैं, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। चेयरमैन नैब को नवाज शरीफ को नहीं अल्लाह को जवाब देना है, इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हमें पता है कि चेयरमैन नैब एफबीआर कितने पैसे बैरून मुल्क भिजवाते हैं, और एफआईए पनामा लीक्स के मामले पर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नून लीग का है, इमरान खान की जानिब से कहा गया कि साफ शफाफ इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद होती है, इलेक्शन कमीशन कब तक नून लीग की टीम भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि इदारों पर दबाव नहीं डाल रहे, इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पाकिस्तानी कौम से कहता हूं कि ये
फैसला कुन वक्त है। अगर मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। नवाज शरीफ पैसे के जरिए अगला इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ को पता है इलेक्शन ना जीता तो जेल चले जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एहतसाब मार्च से खिताब कर रहे थे और इस दौरान उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ पर नहीं बल्कि इदारों पर दबाव डाल रहा हूँ। हमारी रैली पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। वजीर आजम और वज़रा की चोरी से मुल्क तबाह होता है, हुक्मरानों की लूट मार से तीसरी दुनिया बनती है। इमरान खान ने कहा कि 5 माह से नवाज शरीफ से जवाब मांग रहे हैं। नवाज शरीफ बताएं कि पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया।